नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके अबाउट मेडिसिन चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कफ के बारे में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि खांसी होने के लक्षण क्या है, खांसी होने के कारण क्या है। साथ ही दोस्तों वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि खांसी का ट्रीटमेंट क्या है। साथ ही इसमें हम जानकारी लेंगे कि ओल्ड खांसी क्या है, क्रोनिक खांसी क्या है, नॉर्मल खांसी क्या है। इन सारी चीजों के ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरुआत करने से पहले यदि आपने आरके अबाउट मेडिसिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ एवं मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं खांसी होता क्या है। दोस्तों हमारे श्वसन तंत्र में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाना, इन्फेक्शन हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, जिससे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होना, सांस लेने में दिक्कत, म्यूकस बनना, बलगम बनना, इन सारी चीजों को अगर एक ही साथ हो रही है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं खांसी, कफ। यानी पेशेंट को कफ खांसी हो रही है। हम बात करें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होती है नेचुरली तरीके से, प्राकृतिक तरीके से ऐसा बनाया गया होता है दोस्तों कि इसमें जो गीलापन होती है, वो जो पैलेस होता है वो हमेशा के लिए गीलापन होता है, लेकिन यह एक नॉर्मल रेंज में होता है ताकि हम ब्रीथिंग ले पाए, सांस ले पाए सही से। अगर इसका जो सरफेस होगा, अगर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रैक होगा वो ड्राई होगा, वो सूखा होगा, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी। इस वजह से हमारा जो श्वसन तंत्र है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में गीलापन रहता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में गीला रहता है, यह नॉर्मल देखा गया है। लेकिन अगर ज्यादा बलगम का सिक्रिएशन हो रहा है, अगर श्वास से ज्यादा बलगम आ रही हो, तो ये थोड़ा सा चिंता करने का विषय है, ये थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है। दोस्तों अगर बलगम आ रही है तो इस चीज को हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता का एक तरीके से इंडिकेशन भी हम समझ सकते हैं। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होती है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, या किसी भी तरीके से इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से म्यूकस निकल रहा हो, बलगम निकल रहा हो और बार बार खांसी आ रही हो, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है, हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है। उसकी एक्टिवेट होते ही हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के कुछ सेल्स होते हैं, जैसे इसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इन जैसे कई सेल्स होते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाकर के उस बैक्टीरिया से, उस इन्फेक्शन से लड़ते हैं, और लड़ते हैं तो वहां पे कुछ सेल डैमेज होता है, कुछ बैक्टीरिया नष्ट होती है, जिससे कि म्यूकस का सिक्रिएशन होता है और हमें बलगम आती है, और बलगम के रास्ते हमें श्वसन तंत्र के रास्ते बलगम का सिक्रिएशन होता है और बलगम मुंह के द्वारा निकलती है। इसके कुछ सिम्टम्स की हम बात करें तो सबसे पहला आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मुंह के रास्ते बलगम आ सकती है, टॉन्सिल आपका जो गला का है वो बढ़ सकता है, और साथ ही हम बात करें तो गले में सूजन भी आ सकती है। ये सारे इसके सिम्टम्स है। खांसी के कई टाइप्स भी हो सकते हैं, जैसे उन टाइप्स की हम बात करें तो सबसे पहला आता है वो है ड्राई कफ, उसके बाद मॉइस्ट कफ, उसके बाद हूपिंग कफ। ये सारे खांसी के प्रकार है दोस्तों। अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं अपने इलाज के लिए, अपने जो बीमारी है उसके डायग्नोसिस के लिए, तो सबसे पहले अगर दो हफ्ते से ज्यादा खांसी हो रही हो तो डॉक्टर सबसे पहले जो चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट होती है जिसमें कि सीबीसी और चेस्ट एक्सरे के साथ साथ दोस्तों ईएसआर का भी ब्लड टेस्ट किया जाता है। इसके तहत डॉक्टर बीमारी का डायग्नोसिस करते हैं और आपको रिजल्ट निकल के आता है कि आपको मॉइस्ट कफ है, ड्राई कफ है या फिर हूपिंग कफ। इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें दोस्तों, तो ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का जो टाइप्स एवं सिम्टम्स के आधार पे की जा सकती है। जैसे अगर पेशेंट का ड्राई कफ है, सूखी खांसी है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स एवं कुछ स्टेरॉइड ड्रग के साथ और कफ सिरप भी दी जा सकती है। अगर ये सारी जो ट्रीटमेंट है पेशेंट के ऊपर लागू नहीं हुई, अगर रिजल्ट नहीं हुआ, तो पेशेंट का चेस्ट एक्सरे एवं अगर खांसी लंबे समय से है,
तो पेशेंट के अंदर टीबी का शिकायत हो सकता है, इसलिए पेशेंट का बलगम का स्पूटम टेस्ट भी किया जा सकता है ताकि टीबी का जो बैक्टीरिया है वो उसमें पाया गया है, तो पेशेंट को ये कन्फर्म किया जाएगा कि पेशेंट को टीबी का दोस्तों शिकायत। तो नॉर्मल जो कफ होती है उसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो सबसे पहला कुछ एंटीबायोटिक्स टेबलेट दिया जा सकता है पेशेंट को, जैसे एजिथ्रोमाइसिन टेबलेट जो 500 mg का है वो पेशेंट के डिजीज एवं नीड के हिसाब से दिया जा सकता है कि पेशेंट का एज क्या है, वेट क्या है और डिजीज क्या है, उसके हिसाब से अगर नॉर्मल हम बात करें इसकी डोजेज की तो पेशेंट को ओडी यानी आप पेशेंट को सुबह में दिया जा सकता है उसको 3 दिन लगातार, उसके बाद कुछ कफ सिरप भी दिया जा सकता है और कुछ अस्टेरॉइड ड्रग भी दी जा सकती है जैसे बेटनिसोल, ओमनाकोटी, डिफ्लाजाकोट जैसे ड्रग दिया जा सकता है। अगर पेशेंट के अंदर गैस बनती हो पेट में तो कुछ जो है एंटासिड टैबलेट भी दी जाती है। तो रही बात दोस्तों एलोपैथिक ट्रीटमेंट की, अब हम बात करेंगे कुछ होम रेमेडी की जिसे हम अपने घर पे कर करके ही अगर नॉर्मल खांसी है, शुरुआती खांसी है, चाहे वह खांसी ड्राई कफ हो, मॉइस्ट कफ हो और कितना भी ओल्ड एज का खांसी हो, पुराने व्यक्तियों को खांसी हो, उसे हम अपने घर पे कर करके दोस्तों ठीक कर सकते। सबसे पहले आप क्या करें कि एक सस्पेन लें, उस सस्पेन में 2 कप पानी डालें, 2 कप पानी डालने के बाद 20 पत्ता तुलसी का तोड़ करके उस पानी के अंदर डालें, उसके बाद आप 10 काली मिर्च लें, उस काली मिर्च को पाउडर के रूप में बना लें और पाउडर के रूप में बनाने के बाद उस सस्पेन में डालें। और तीसरी हम चीजों की बात करें तो आप अपने घर की आदी ले लें, आदी लेने के बाद उसको छोटा छोटा कर दें, टुकड़ों में तब्दील कर दें, उसके बाद फिर उस सस्पेन में डाल दें और उसको दोस्तों गैस पे धीमी फ्लेम में तब तक स्टीम करें जब तक कि वह 2 कप से 1 कप ना हो जाए। अगर 1 कप हो जाएगी उसको किसी बर्तन में निकाल लें और बर्तन में निकाल करके आप पेशेंट को उसके एज एवं वेट के हिसाब से एवं डिजीज के हिसाब से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम आप दे सकते हैं, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर नॉर्मल खांसी होगी, अगर बलगम वाली खांसी होगी तो दोस्तों इससे बहुत हद तक राहत मिलेगी। साथ ही यह बात करें तो सर्दियों एवं ठंड के मौसम में इसे ज्यादातर दिया जाता है और लोगों को बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, अगर जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका और भी लोगों को लाभ मिल सके। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि इस चैनल का उद्देश्य हेल्थ एवं मेडिसिन से प्रति जागरूक करना है। दोस्तों आप देख रहे थे आरके अबाउट मेडिसिन चैनल, मैं था आपका दोस्त, मैं था आपका होस्ट डॉक्टर राहुल कुमार। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।